नाहन में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई, जिसमें जिला भर से आए कांग्रेसियों ने हिमाचल रोजगार संघर्ष के संयोजक एवं शिमला ग्रामीण के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह का भव्य स्वागत किया। इसके पश्चात नाहन के ऐतिहासिक बड़ा चौक मंच पर कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर गुब्बार निकाला। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है, कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों का श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हिमाचल रोजगार संघर्ष के संयोजक एवं शिमला ग्रामीण के युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक माह के भीतर भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने संबोधन में नाहन के विधायक को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि वे बदले की भावना से काम नहीं करते, मगर इतना जरूर है कि जिन भाजपा नेताओं ने घोटाला किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कहना बिल्कुल स्पष्ट है, हम वही बात कहेंगे जो बात हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति आज ठीक नहीं है। 70,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, 14 लाख बेरोजगार युवा हिमाचल प्रदेश के अंदर है और बहुत सी परेशानियाँ हमारे कर्मचारियों के ऊपर है, हमारे युवा साथियों के ऊपर है, बागवान किसानों के पिछले कल ही एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन वो शिमला के अंदर हुआ, उन्होंने भी अपनी मांगे रखी है। आज कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है प्रदेश के अंदर जो इस सरकार से खुश है, इसीलिए हमने खास रूप से युवाओं के लिए ये यात्रा प्रदेश के अंदर निकाली है, जिसमें हमने अपनी आला अधिकारियों से अपना नेताओं से विचार विमर्श के बाद एक पैकेज 680 करोड़ रुपये का खास करके युवाओं के लिए देने का निर्णय किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी हम 10 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र इंटरेस्ट फ्री लोन हमारे युवाओं को दिया जाएगा, ताकि वो अपने छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे कार्य जो है इससे शुरू कर सके। और इसके अलावा चाहे हमारे होम स्टेज है, होटल्स है, रिवर राफ्टिंग है, आपका जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उसके लिए भी एक अलग से पैकेज जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है वो रोज़गार मिल सके। पिछले कल हमको पौंडा साहब में हमारे ट्रक यूनियन के भी बहुत से जो है वो साथी मिले, उनकी भी कई मांगे कोविड काल से जो है वो लंबित है और उन्होंने जो है उनका जो कोविड काल के समय में जो उनको पेनल्टियाँ लगी है उसके वेवर के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से समय समय पर आश्वासन ही मिला, मगर बाकी कुछ नहीं मिला। वैसे ही हमारे निजी बस ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी चालक हैं, उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं। तो उन सब मांगों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये युवा के यूथ से सारे संबंधित लोग हैं और इनके मसलों को हम हमारे सरकार बनते ही उठाने का कार्य करेंगे और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य जी, आज जो मुझे विश्वास है कि सब यहाँ पर एक है, थोड़ा बहुत जो है वो प्रतिस्पर्धा चलती है, मगर इस पे हम पार्टी की जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो इसमें संज्ञान लेंगे और मुझे विश्वास है कि सब चीज़ बिल्कुल ठीक होगी और हम मिलकर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। क्योंकि यहाँ पे नेता की बात नहीं है, बात कार्यकर्ताओं की है। कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं और उनकी भावनाओं की कदर करना हम सबका दायित्व बनता है, इसलिए हम मिलकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। जो भी कमी पेशी पिछली बारी रह गई थी उसको इस बारी पूरा किया जाएगा और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का झंडा नाहन निर्वाचन क्षेत्र में बुलंद करना हम सबका दायित्व है, जिसके लिए हम कार्यरत हैं। कांग्रेस का नहीं, कोई एक आधा कोई नहीं आया तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सभी जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का परिवार यहाँ पर है और जो नहीं है, अगर कोई नहीं भी है वो भी हमारे साथ है और हम मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे। क्या आपको लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा? इस बारी बिल्कुल यहाँ पे जो है वो अनुशासन के तरीके से कार्य किया जाएगा। जो बिल्कुल जिताऊ उम्मीदवार है उन्हीं को ही पार्टी का टिकट दिया जाएगा। सर्वे हमारा हाईकमांड भी कर रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी हो रहा है और सर्वे के बेसिस पर ही टिकट का आवंटन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है।